अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, क्लास 8th, विषय हिंदी। मैं अलका शुक्ला आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ये बुक का जो फर्स्ट पेपर है, ये आपका स्टूडेंट एडवाइजर के हिंदी का व्याकरण और रचना पाठ्य पुस्तक सहित है, और ये आपकी बुक है। अब इसके अंतर्गत अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, और दूसरा अर्थ होता है लेखक के द्वारा, लेखक अपनी कविता के माध्यम से हमें जो संदेश दे रहा है वही ध्वनि है। अब यहाँ पर जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? वसंत नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? वसंत नाम दिया हुआ है, और वसंत के अंतर्गत यह फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि। इस ध्वनि के अंतर्गत बताया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जिनका उपनाम है निराला, और उनकी जो रचना है वह क्या है? ध्वनि है। तो इसमें कहा गया है, अभी अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो ये आपकी कविता है। इस कविता के अंतर्गत यहाँ पर कवि नव युवकों को चेतना प्रदान करते हुए, संदेश प्रदान करते हुए कह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लेखक की कविताओं के भावों को, कल्पनाओं को न समझते हुए उनको कह रहे हैं कि अब तो लेखक की कविताओं का अंत हो गया है। तो वापस लेखक इसमें, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि अभी उन आलोचकों को वापस अपना प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा और मेरी कविताओं का अंत अभी नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी ही मेरे जीवन रूपी, मेरे वन मतलब जीवन रूपी उपवन में मृदुल यानी कोमल, वसंत यानी वसंत। वे कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी तो मेरे जीवन के अंदर, जीवन रूपी उपवन के अंदर कोमल वसंत आया है, जो मेरे अंदर नई नई उमंगें, नया नया जोश, नई नई भावनाएं और नए नए संदेश लेकर आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, न मेरी कविताओं का अंत होगा, न मेरी कविताओं के माध्यम से दिए गए संदेशों का होगा। जिस प्रकार प्रकृति के अंदर पतझड़ के पश्चात नए नए पेड़ पौधों पर प्रकृति का वातावरण कैसा हो जाता है, नए नए पत्ते, नए नए फूल, नए नए फल वगैरह लगते हैं, तो उससे प्रकृति कैसी हो जाती है? संगीतमय और मनोहारी हो जाती है। प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो जाता है, चारों ओर प्रकृति के सुंदर और मनोरम वातावरण दिखाई देते हैं, और उससे सभी के मन में नए उमंग और नए जोश का संचार होता है। उसी प्रकार कविताओं के माध्यम से ही कवि ये कहना चाहता है कि मेरा अभी अंत नहीं हुआ है, मेरा अभी अभी जीवन में बहुत सारी आशाएं, उमंगें बाकी हैं, और मैं अपने उमंगों का संचार करना चाहता हूँ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कि वसंत ऋतु के आने पर हर जगह प्रकृति में हरे 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 हरी पत्तियाँ, पात यानी पत्तियाँ हो जाती हैं, डालियाँ और कलियाँ कोमल शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। तो यहाँ पे कहा गया है कि वसंत कह रहा है, वसंत ऋतु में जो ऋतुराज वसंत है वो कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर जब नए नए हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नई नई डालियाँ और नई कोमल कलियाँ आ जाती है, तो मैं अपने मृदुल स्वप्न रूपी हाथों से, मृदुल यानी कोमल, स्वप्न यानी सपने जैसे हाथों से उन कोमल कलियों के ऊपर हाथ घुमाकर उनको नई सुबह या नए सवेरे का मैं संदेश देता हूँ, और उनको जगाकर एक नई जीवन, नए सवेरे और नई उमंग का संदेश देता हूँ या उन्हें जीवन प्रदान करता हूँ। जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा यानी जगाता हूँ, एक यानी एक, प्रत्युष यानी
प्रत्युष का होता है प्रातःकाल, मनोहर यानी सुंदर, सुंदर और प्रातःकाल, सुंदर प्रातःकाल के लिए मैं उन्हें जागृत करता हूँ ताकि उनके अंदर नवीन जोश, नई उमंग और नए प्राण का संचार हो। उसी प्रकार वर्तमान समय में कवि कहता है कि नई नई बातें मैं कविता के माध्यम से नवयुवकों के सामने प्रेरित करता रहूँगा और नवयुवक उन सभी कविताओं के माध्यम से प्रेरित होते हुए अपने आलस्य को त्याग कर एक नई आशा की किरण से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करने के लिए जागृत रहें, हमेशा तैयार रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी हमें आलस्य को त्याग कर नवीन उमंग और आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब अपन इसके अंतर्गत यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो फर्स्ट पैराग्राफ के और जो बाकी के जो शब्दार्थ हैं, ये जो शब्दार्थ हैं आपके और एक आपके सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें 7 शब्दार्थ है। ये जो दिए हुए जो शब्दार्थ हैं, ये सारे शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं, सारे शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं। उसके अलावा जो भी है वो इसके आगे का होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी।